नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त मनोज लेके प्रस्तुत हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है दी एमजे रिव्यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंस्पिरेशनल गुरुजी। आज हम चर्चा करेंगे वीकेंड के बाद की जो समाप्त हुआ रविवार को। काफी इंटरेस्टिंग था। उर्वशी हुई घर से बेघर, कुछ इंटरेस्टिंग टास्क दिखाए गए, कुछ डांस भी दिखाए गए। ओवर एंड ऑल एक अच्छा हफ्ता गुजरा घर वालों के लिए। लेकिन शायद मेरी तरह आप लोग भी डिसअपॉइंट होंगे दीपक से। खेल के लिए, शो के लिए चाहे उर्वशी का घर से निकल जाना बेहतर था, परंतु दीपक को उर्वशी को नॉमिनेट करना गले से नहीं उतर। आपने कम से कम नॉमिनेशन वाली पोजीशन में तो उर्वशी का साथ देना था दीपक, आपने उर्वशी के साथ ये ठीक नहीं किया। जब आपको लग ही रहा था कि उनको घर जाना है और सारे घर वाले धड़ाधड़ उर्वशी का नाम ले रहे हैं, तो एक गुड जेस्टर के चलते ही कम से कम आप उर्वशी को बचा सकते थे। खैर ऐसा नहीं हुआ और बिहार से आई एक भोली भाली गांव की छोरी हो गई बिग बॉस से बेघर। देखते हैं बाहर आके उर्वशी किस तरह का रिएक्शन देती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। टास्क शुरू होता है, भारती और आदि नारायण जाते हैं घर के अंदर और कुछ अपने अटपटे सवाल और टास्क लेके जाते हैं। सलमान खान खिंचाई करते हैं करणवीर बोहरा की, बोलते हैं कि आपको घर वालों की याद आ रही होगी। वो बोले कि जी जरूर आ रही है, रोने का भी मन कर रहा है। दोनों ने कहा रो लो, लेकिन ये फनी वे में था। खैर खेल को देखते हुए, गेम को देखते हुए, त्योहारों के सीजन को देखते हुए अच्छे नोट पे बिग बॉस का ये वीकेंड का वार शुरू हुआ। फिर उनके पास थी एक मिठाई का डिब्बा और थे एक लाइट बैंड जो उनको लगाना था घर वालों में, जो घर का अंधेरा है या घर का उजाला है। लोगों ने रोमिल, सुरभि, श्रीशांत, इवन दीपिका और अपने जसलीन, इनको लगाया बैंड अंधेरे वाला और कुछ लोगों को दिया उजाला। मेरे ख्याल से रोमिल घर का उजाला बनने के काबिल हैं, दीपिका डेफिनेटली थी, श्रीशांत को आप घर का अंधेरा कह सकते हैं। वो बातों को इस तरह से लेके जाते हैं, फ्लिप करते हैं, तो उजाला दीपक डेफिनेटली उस कंटेस्टेंट की लिस्ट में है जहां पर उसको उजाला की कैटेगरी में रखना चाहिए था। घर रोशन रहता है, रौनकी रहती है दीपक के बोलने से। श्रीशांत घर को रोशन रखते हैं, रोमिल रोशन रखते हैं, सुभ भी रोशन रखती है। खैर उनकी अपनी अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद जब कॉइन मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और बिग बॉस दीपक के साथ खेल गए, उन्होंने सौमी और दीपक का एक कंटेस्ट एक वो रखा डांस शो जिसमें सॉरी एक सॉन्ग रखा था जिसमें दीपक को रोमांटिक एक गीत गाना था और दीपक ने गीत गाया। फायदा कुछ नहीं है, जयपुर की रानी शायद बिहार के बाबू को वो भाव नहीं दे रही है। साफ साफ मना कर देना चाहिए था, लेकिन जो मुस्कान दीपक सौमी दिखा रही है उससे शायद हो सकता है आगे चलकर कुछ कहानी बन जाए। लेट्स वेट एंड वॉच। उसके बाद में जब दो जोड़ियों के बीच में रोहित और सृष्टि, शिवाशीष और जसलीन पेपर डांस जब हुआ, तो हमारा सांड तो सांड है, पहलवान पहलवान की बुद्धि यहां नहीं घुटनों में होती है। वो जिस तरह से नाचे, जिस तरह से उठाया उन्होंने जसलीन को, वो कहती रही कि जिस तरह से सृष्टि को उठा रखा है वैसे उठाएं, लेकिन उनका वो काम शिवाशीष के समझ में नहीं आया। वो रूल आउट हो गए और सिक्का मिला रोहित और सृष्टि को। घर वालों के फैमिली वालों की तरफ से गिफ्ट आए हुए थे, गिफ्ट आए हुए थे जो उनको दिए गए और काफी इमोशनल थे गिफ्ट, काफी टची थे। जैसे रोमिल के बच्चे ओजे का स्कूल बैग और उसकी ड्रेस आई थी, श्रीशांत की गुड़िया की नर्सिंग की पहली वो ड्रेस आई थी और जो लेटर लिखा हुआ था क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ था लेटर। एक तरफ में कोने में रोते नजर आए दीपक, दीपक का भी घर से एक लेटर आया था, बहुत ही शानदार, इमोशनल कर गया सारे घर वालों को उनको देखकर।
लेकिन अंत में रुला भी गया उर्वशी के बाहर जाने से। शायद पिछले जितने भी नॉमिनेट या बेघर एलिमिनेट हुए हैं घर से, उनमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा होगा उर्वशी के बाहर जाने का। श्री शान जब हुए थे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ा था घर वालों पर, लेकिन इमोशन के हिसाब से, रोने के हिसाब से शायद उर्वशी वहां बाजी मार गई। उर्वशी ने एक अपनी अलग जगह बनाई बिग बॉस के घर में, लेकिन उनका सफर यही खत्म होना ही लिखा था। सुल्तानी अखाड़ा, इस बार सुल्तानी अखाड़े में गए केवी और शिवाशीष। दोनों ने आपस में पहला राउंड जो खेला, बोलकर एक दूसरे को हराना था, उसमें शिवाशीष ने बाजी मारी। घर वालों ने 11th 11th रोड शिवाशीष को दे दिए, एक नया रिकॉर्ड बना। लेकिन जब उस रोलर कोस्टर में दौड़ना था तो वहां भी हमारे पहलवान बाबू शिवाशीष ज्यादा जोर लगा के दौड़ रहे थे, और वो अपना बैलेंस फोकस मेंटेन नहीं रख पाए और उनको 2 बार फ्लिप हुए और रोलर कोस्टर से बाहर आ गिरे। लेकिन देखने में अच्छा लगा, दोनों को एक अच्छे जेस्चर के साथ घर वाले लो से सलमान ने ली विदाई। और इसके साथ वीकेंड का वार खत्म हुआ। अगला हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं क्या हो पाता है। क्या श्री शांत हैप्पी क्लब के सदस्यों को नॉमिनेट करके खेलते हैं एक और गेम, या फिर चीजें रहेंगी हैप्पी क्लब के क्लब मेंबर्स के हाथ में ही मास्टरमाइंड रोमिल के? क्या वुल्फ पैक वापिस इकट्ठा हो पाएगा या हैप्पी क्लब बिखर जाएगा? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा बिग बॉस सीजन 12 का अगला हफ्ता, और मैं रिव्यू लेके आता रहूंगा। अगर आपको मेरे चैनल पे ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे लाते रहेंगे। मैं एक और सेक्शन करने जा रहा हूं, न्यूज और स्पोर्ट, पॉलिटिक्स की न्यूज और जो हमारे आसपास में घट रहा है अभी, उसको हम एनालिसिस करेंगे एक और एपिसोड में। वो जल्दी ही आप सबके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए द एमजे रिव्यू ऑन इंस्पिरेशनल गुरुजी।